तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी पर एक चैनल की पर। तो यहाँ पर गाइस आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मैं आपको कुछ यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड बहुत दिनों से बताता आ रहा हूँ, जैसे कि RX 570 1650 Super। तो आज इन्हीं के बीच में एक और नया कार्ड आ जाता है जो कि है NVIDIA की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1060। यहाँ पर गाइस ये कार्ड दो वेरिएंट्स में आता है, 3GB और 6GB में। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसी ये आपको गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है 2021 में। तो वीडियो बहुत ही खास होगी, तो चलिए दोस्तों आज मेरा नाम यूज करें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको इसकी स्पेक्स बता देता हूं, उसके बाद हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, यूज्ड कितने का मिलेगा, नया मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ बेंचमार्क शो करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्स के बारे में। यहां पर आपको जो ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है GP106। कोर्स की बात करें तो यहां पर आपको 1152 यहां पर आपको क्यूडा कोर्स देखने को मिल जाते हैं, 3GB और 6GB दोनों के साथ आता है, और आपको GDDR5 टाइप की यहाँ पर आपको जो मेमोरी देखने को मिल जाती है। पास्कल आर्किटेक्चर के ऊपर दोस्तों ये बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है, और 2016 में ये लॉन्च हुआ था, बल्कि पूरे 5 साल इसको लॉन्च हुए हो चुके हैं। इसके बाद गाइस अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हो 1650 सुपर के साथ, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो आपका GTX 1060 है ये आपको पास्कल आर्किटेक्चर के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो आपका 1650 सुपर है वो ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको जंप देखने को मिला था परफॉर्मेंस में। 1650 सुपर में गाइस यहां पर आपको जो है 1280 यहां पर आपको क्यूडा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हो 1060 के साथ, तो यहां पर आपको 1060 में 1152 यहां पर आपको जो क्यूडा कोर्स देखने को मिल जाते हैं, और प्रोसेसर का तो फर्क है ही, जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है हमारा, और जो आपकी मेमोरी टाइप है यहां पर आपको GDDR6 टाइप की देखने को मिल जाती है 1650 सुपर में, जो कि एक अच्छी बात है, जिसके साथ जो इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पर गाइस जो आपका 1060 है ये बहुत ही पुराना कार्ड हो चुका है अभी, जो आपका 1650 सुपर है वो एक लेटेस्ट कार्ड है और ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर वो बेस्ड है। तो अब गाइस हम बात कर रहे हैं इसके बेंचमार्क्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके बेंचमार्क्स को बहुत सारी साइट्स से कंपेयर किया है और कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी देखा है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बता दूं कि हमने 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर जो है गेम्स को चलाया है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हमने गेम चलाया है बैटलफील्ड 5, जो कि मीडियम सेटिंग्स के ऊपर चलाया गया है, और यहाँ पर आपको जो एवरेज FPS देखने को मिल जाते हैं वो है 94। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको 70-75 तक का यहाँ पर आपको जो है लोएस्ट FPS देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम के बारे में, जो कि है रेड डेड रिडेम्पशन 2। इसको गाइस चलाया गया है लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर जो आपको एवरेज देखने को मिलता है वो 50 प्लस का देखने को मिल जाता है, और अगर आप लोएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 45 तक का यहाँ पर आपको लोएस्ट FPS देखने को मिल जाता है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है, तो इसका वो बल्कि आप समझ सकते हो कि 3GB रैम है, तो बॉटलनेक होने का कारण पूरा बनता है, और थोड़ा सा अपनी स्टटरिंग भी इसमें रहती है। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम के बारे में, जो कि है फार क्राई न्यू डॉन। इस गेम को गाइस चलाया गया है मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको एवरेज FPS देखने को मिल जाते हैं 71, और लोएस्ट जाता है 56 तक का। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं हमारी आज की मेन गेम के बारे में, जो कि है साइबरपंक। बहुत सारे बंदों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर हमको 1060 देखने को मिल जाता है तो क्या हम उसके ऊपर साइबरपंक को खेल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस चलाया गया है साइबरपंक को लोएस्ट सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर आपको जो एवरेज FPS देखने को मिल जाते हैं वो 40 है, और जो आपका लोएस्ट जाता है वो 25-24 तक चला जाता है, जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। बल्कि अगर आप इसको 1080p के ऊपर आप 3GB वेरियंट के साथ आप साइबरपंक को खेलते हो, तो आपकी स्टटरिंग रहती है, आपका गेम प्ले बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहता है, आप इसके ऊपर नहीं खेल सकते। सीधे सीधे मैं अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको 1060 6GB देखने को मिल जाता है, तो आप 1080p लोएस्ट सेटिंग्स के ऊपर आप इस गेम को खेल सकते हो, आपको 40 के ऊपर आपको जो FPS आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट गेम के बारे में, जो कि है GTA 5। यहाँ पर गाइस GTA 5 को चलाया गया है हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर आपको जो एवरेज देखने को मिलता है वो 60+ FPS का देखने को मिल जाता है, और लोएस्ट जाता है 54 तक का। यहाँ पर आपका जो है गेम प्ले बिल्कुल अच्छा रहता है, आप इजीली इस गेम को खेल सकते हो। तो ये गाइस हमारे बेंचमार्क्स हो चुके हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि ये ग्राफिक्स कार्ड कहाँ पर स्टैंड करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये RX 570 के बिल्कुल ये टक्कर का चला जाता है। कई बार RX 570 इससे आगे निकल जाता है, कई बार ये उससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है दे देता है। 3GB वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 6GB को बाय करते हो तो वो RX 570 को वो बीट कर जाता है इजीली। तो यहाँ पर गाइस मेरा सीधा सीधा आपको कहना यही है कि अगर आपको ये 6000 तक का आपको यूज्ड मार्केट में अगर आपको ये देखने को मिल जाता है, तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी डील रह सकती है। अगर आपको साइबरपंक जैसी गेम को खेलना है, तो आपको 6GB इसका जो है मॉडल बाय करना पड़ेगा, जो कि आपको 8000 तक का देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद की वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें ही टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग और PC बिल्ड्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं।